जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जो है ना इंग्लिश का पेपर 26 जून को होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का आंसर के लेकर के आ चुका हूं। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताऊंगा, ठीक है। देख लीजिए विषय को, 113 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का आप लोगों का जो है ना एग्जाम होने वाला है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता दूं, प्यारे बच्चों आपको पहले से पता होना चाहिए इसमें इस एग्जाम में 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिया जाता है, मात्र 25 प्रश्नों का उत्तर बनाना होता है ना। तो चलो मैं फटाफट से आपको बता दूं, पहला नंबर क्वेश्चन है, हिम टोल्ड मिस्टर जॉन्स डेट इट वुड जो ना रिड्यूस डैश डैश एंड, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दो है, द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नोट टू वर्न लिव्स हैज इट इज डैश डैश फॉर द जो ना सोलोजी, तो नोट करेंगे दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वैड यानी बुरा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला जा रहा है। प्रश्न है, जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीनी टू कीप द टोल्ड न्यूज पेपर फॉर द स्कूल गोइंग, तो यहाँ पर राइट आंसर 3 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि कलेक्टेड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 4 नंबर देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स, तो नोट करिएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नोज पॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वाज मिस्टर ग्रीनी पीलिंग न्यूज पेपर, तो नोट करेंगे 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नेक्स्ट टू हर जो ना गर्वेग वेगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों से 6 नंबर प्रश्न पूछा है, माधवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएटिश ऑफ द डैश डैश स्कूल ऑफ पोएट्री, तो नोट करेंगे इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा चाहुदी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा 6 नंबर का। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, और प्रश्न है, महादेवी वर्मा वाज द जो ना रिसिपेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड, तो नोट करेंगे ऑल ऑफ डी राइट आंसर होगा 7 का D नंबर, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज जो ना इलेक्टेड फॉलो डैश डैश जो ना अकेडन, तो राइट आंसर नोट करेंगे 8 का C होगा, यानी कि काला। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 9 नंबर प्रश्न बोला गया, हाउ लाइक लैक्ड फास्ट ट्रेवलिंग, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि द आउटर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए हाउ इज द आउथर ऑफ द पेस फॉर लिविंग, ठीक है, तो नोट करेंगे 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आपका डॉक्टर आर्ची हटिसन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ रोट द पोएट्री डैश डैश, यहाँ पर देख लो नोट कर लेना, राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका विलियम्स क्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्यार बच्चों 11 नंबर का बताया, 12 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट जो ना कलेक्टिंग लाइक हेल्थ एंड जो ना वैरायटी एस, तो बिल्कुल नोट करेंगे राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी गिफ्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए हैप्पी मैन वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द पोएट्री जो ना इन करेक्टेड बाय हिम, तो देखो नोट कर लो 13 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यानी कि आपका फादर। आगे प्यारे बच्चों आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आप सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर कहां से डाउनलोड करेंगे पीडीएफ के रूप में, ताकि आप आराम से लिख भी पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम आपको समझा देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लेंगे, इसके बाद आप ऊपर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना, नीचे आएगा तो क्लास 10th का एक सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये जो फर्स्ट में लिखा मिल रहा है जून मंथली एग्जाम के लिए, इस पर क्लिक कर लेना है, इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चला आना है, ठीक है। आप नीचे आएंगे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, इसी चैनल पर शाम में 6 बजे डेली लाइव होता है, 2025 के में आप लोग एग्जाम फाइनल दे रहे हो उसके लिए, ठीक है। फ्री में यूट्यूब पे क्लास होता है, आप लोग इस नंबर पर भी मैसेज हमें कर सकते हैं, 9835516710, और साथ में आप व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, इस पर भी आपको पीडीएफ वगैरह बिल्कुल फ्री में मिलता है। आप देखो यहाँ पर प्यार बच्चों आपका 2 एग्जाम बचा हुआ है, एक तो मैट का बिल्कुल प्रॉपर आंसर की डाल दें सब्जेक्ट जाकर देख लो, और साथ में इंग्लिश का भी यहाँ पर डाउनलोड लिखा है सामने में, तो क्लिक कर लो, पेज को जरूर रिफ्रेश कर लेना, इससे अपडेट किया जाता है तो आपको मिलेगा। आप आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की मैं पहले से ही अपडेट कर दिया हूँ, तो यहाँ पर आकर के लिख लोगे 300 का। इसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कुछ ही देर में मैं अपडेट यहाँ पर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न लिखाऊंगा, उसके जस्ट बाद यहाँ पर आंसर की भी आपको देखने को मिलेगा, तो आकर के आप यहाँ से डाउनलोड करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 14 नंबर आप लोग देखेंगे, 14 नंबर प्रश्न है जो ना यहाँ पर देखिए, हावर्स डे एंड ईयर्स स्लाइड आवे डैश डैश, तो यहाँ पर नोट करिए राइट आंसर 14 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे ना, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि क्विकली। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेडिसिन डैश डैश द हैप्पीनेस, तो हम नोट करेंगे ना राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि पल्ले।
इंग्लिश। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या बोला है ना। 16 नंबर प्रश्न आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों, जो ना प्रेमचंद्र इज ऑर्गेनाइजेशन वाज कुछ है यहाँ पर देख लो, मिट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लो। 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, यानी कि आपका जो ना धनपत राय हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है जो ना हल्कू हार्ड मोर मचिंग एंड जो ना क्रचिंग साउंड कमिंग, तो नोट करेंगे 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो ना ये आपका फाइल जो ना फाइलेट्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। देखिए मुन्नी आस्क द हल्कू हाउ ही जो ना क्लाउड हैव डैश डैश, उसके बाद पेनफुली व्हेन हिज क्रॉप वेयर विंग जो ना डैश प्राइड, तो आप नोट करें 18 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, 18 का आंसर नहीं मिल पाया था, इसको छोड़ देना। एक क्वेश्चन का आंसर हम छोड़ देते हैं, बट कोई ना, सारे प्रश्न का आंसर की बताएंगे, ठीक है। 19 नंबर का नोट करेंगे, मुन्नी एडवाइड हल्कू टू हिम सेल्फ आउट हैज, ठीक है। तो आप 19 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि लेवोडियर, ठीक है, लेवोडियर होगा। 20 नंबर है, व्हाट काइंड ऑफ रोंग टू हैज मुन्नी, तो नोट करेंगे 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ डी हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, आप लोग यहां पर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट ही अपलोड करूंगा, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ भी आपका एग्जाम होगा, तो हर एक मंथ आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो 21 नंबर का नोट कर लो, और राइट आंसर बिल्कुल यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ही वांट टू द विलेज डैश डैश 4, तो यहां पर देखो जो भराएगा डैश में, ये आपको नोट करना है, ये ऑप्शन बी होगा, यानी बाय। क्वेश्चन नंबर 22 से द डेट इज जो ना फ्राइड डैश डैश, तो नोट करेंगे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी, यानी कि आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर को देख, 23 नंबर है ना, 23 नंबर का देख लेना, 23 नंबर में यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, राजन एंड रोहन फारस डैश डैश बिजनेसमैन, तो आप नोट करेंगे 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा आर। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर बिल्कुल 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, यानी कि आपका जो ना कुछ है लिखा हुआ छोड़ो, बी नोट कर लो, बस बात खत्म है, ठीक है। चलो 25 नंबर का नोट करो, चूज द जो ना मोस्ट जो ना ऑपरेटिव साइनोस, तो यहाँ पर नोट करेगा जो ना सॉरी डिड के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे आपका डॉटी हो जाएगा, डॉटी, ठीक है। देख लो क्या है, 25 है ना, 25 का ऑप्शन नंबर आपका वी होगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ो और वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, ठीक है। चलिए हार्ड मीन्स यहाँ पर नोट करो, हार्ड मीन्स यहाँ पर क्या होगा, मीन्स बिल्कुल यहाँ पर नोट करोगे, 26 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ये आपका स्टोर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट जो ना एप्रिलोइंट एंटोम, तो नोट करेंगे 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आपको नोट कर लेंगे, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको उत्तर बता दूँ, 28 का नोट करेंगे, 28 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बिल्कुल मैं बता दूँ, चलिए 28 है ना, तो 28 का नोट करेंगे, बिल्कुल आपका जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि साइन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर प्रश्न, प्रश्न का चूस स्पेलिंग करना है सही से, करेक्ट, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखो इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो ना रुसेंट, चलिए तो ये मैंने आपको तीसरा प्रश्न का आंसर बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं सब्जेक्ट प्रश्न निकालू, जहाँ से डाउनलोड करके बताऊँ, डाउनलोड जाकर के वहाँ से करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।